मैं बढ़वा रहा हूँ अपनी गाड़ी की माइलेज। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि कितना ड्रॉप आया है मेरी गाड़ी की माइलेज के अंदर आफ्टर जस्ट इंस्टॉल एग्जॉस्ट एज वेल एज 17 इंची के व्हील्स। आप जानते होंगे जब मैंने ये दोनों काम करवाए थे ऑब्वियसली इनके अंदर माइलेज ड्रॉप आता है। उसी के साथ ही साथ कुछ चीजें ऐसी भी है, जैसे कि मेरी गाड़ी मेरे हाथ में आने से पहले उसका सर्विस रिकॉर्ड क्या रहा है क्या नहीं, उसको मैं अच्छे ढंग से नहीं जानता, या जो फर्स्ट ओनर था उसने कैसे मेंटेन करी थी वो मेरे पास कोई नॉलेज नहीं उस बारे में। अगर मैं सीएनजी गाड़ी की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गाड़ी मेरी और एवरेज या माइलेज दे सकती है। अपनी गाड़ी जब भी मैं सीएनजी पर यूज करता हूं तो एज ऑफ नाउ मुझे मिलती है ₹3 किलोमीटर के आसपास की माइलेज, किलो में नहीं बता रहा हूं आपको। तो रास्ते में जाते जाते मुझे मिली एक मूविंग व्हीकल और मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करवाता हूं मैं एक्चुअली क्या करवा रहा हूं। मैं बढ़वा रहा हूं अपनी गाड़ी की माइलेज। मेरी गाड़ी की जो माइलेज है मुझे लगता है बहुत कम मिल रही है। मोस्टली अपनी गाड़ी मैं यूज करता हूं सीएनजी के ऊपर। अगर मैं बात करूं मेरी गाड़ी अगर 7 या फिर 8 किलो सीएनजी के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा 120-130 किलोमीटर चलती है, वो भी अगर मैं यूज करता हूं एसी को तब लोकली चलाता हूं, तो एग्जॉस्ट वगैरह लगाने के बाद ₹3 किलोमीटर की माइलेज आ रही है। फिलहाल मेरे साथ में आशीष छाबड़ा जी, जिनको मैं फ्रेम में लूंगा, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और इंक्रीज कैसे कर सकते हैं हम अपनी गाड़ी की यानी अपने बिल्लों की माइलेज। आइए ये रही दोस्तों अपनी बिल्लो। और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप जहां चाहो वहां करवा सकते हो, अपने घर ऑफिस, ये सिर्फ आधे घंटे का प्रोसेस है। स्पेसिफिकली इस काम को डिकार्बोनाइज करना कहते हैं। मैं तो सारी प्रोसेस जान चुका हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आशीष जी आपको बताएं सब कुछ इस प्रोसेस के बारे में, एक एक चीज। तो एक बार मिलते हैं आशीष जी से, वो बताएंगे कैसे क्या करना है। मैं जान चुका हूं, मेरी परवाह मत करो। आशीष जी जानना चाहूंगा ये EDS क्या होता है, आप ऑडियंस को जरूर बताएं। बेसिकली फ्रेंड्स EDS है इलेक्ट्रॉनिकली डिकार्बोनाइजिंग सिस्टम। अगर हम ट्रेडिशनल वे की बात करें तो ये सारा काम मैकेनिकली होता था, जिसके अंदर पूरा इंजन खुलता था, हेड खुलता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था, पूरा दिन जाता था, पैसा भी ज्यादा लगता था, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं मिलते थे हमको। एक नया मेथड आया केमिकल मेथड, जिसके अंदर फ्यूल सप्लाई काट के केमिकल इंजेक्ट किया जाता था इंजन के अंदर, लेकिन उससे इंजन को लॉसेज होने लगे बहुत ज्यादा, वो भी फेल हो गया। अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली डिकार्बोनाइजिंग सिस्टम। इसके अंदर इंजन के अंदर एक गैस इंसर्ट करते हैं पाइप के थ्रू, जिससे जो भी कार्बन बिल्डअप होता है इंजन के अंदर वो साइलेंसर थ्रू फ्लश ऑफ हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी गाड़ी जो है 3 की एवरेज दे रही है फिलहाल सीएनजी पर एग्जॉस्ट वगैरह सब लगाने के बाद। जो आपको मैंने बताया कि करीब करीब 8 या 7 किलो के अंदर सिर्फ 120 के आसपास ही चलती है विद एसी, तो ये सब इशू उसी के हो सकते हैं या वही है? बिल्कुल, ये जो इशूज आपने बताई है उसी कारण है। होता क्या है कि जो आपका लास्ट ओनर है उसने गाड़ी को मेंटेन कैसे किया है, उसकी ड्राइविंग कैसी थी, ड्राइविंग रफ थी या स्मूथ थी, ये सब इस पर डिपेंड करता है। अगर कार्बन बिल्डअप हो जाता है तो इंजन के अंदर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, जिस कारण गाड़ी की एवरेज डाउन हो जाती है। आशीष जी क्या आप एक बार पूरा सेटअप दिखा सकते हैं ऑडियंस को कि ये काम कैसे होगा? आइए फ्रेंड्स सेटअप देखते हैं। आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 7696993245। अगर कोई फ्रेंड हमको व्हाट्सएप करके इंक्वायरी करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, नंबर है 8054321733। ये हमारा सेटअप है। इसके अंदर ये मशीन है, मशीन से गैस प्रोड्यूस होती है जो कि इस पाइप के थ्रू निकलती है। ये पाइप हमारा इंजन के एयर फिल्टर में कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद इंजन जो है इस गैस के ऊपर आधा घंटा रन करता है। रन करने के साथ साथ जो भी कार्बन डिपॉजिट होता है वो सब फ्लश ऑफ हो जाता है। अब आशीष जी पूछना ये है कि जो गैस है ये काम कैसे करती है? बेसिकली होता क्या है कि मशीन से HHO गैस निकलती है, हाइड्रो हाइड्रो ऑक्सीजन गैस। इस हाइड्रो हाइड्रो ऑक्सीजन गैस के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। जब इंजन के अंदर कोई भी फ्यूल गिरता है, चाहे वो डीजल हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे पेट्रोल हो, कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, 30-40% वो वेस्टेज निकल जाती है उसकी। तो इस HHO गैस से जो 30-40% वेस्टेज है वो भी रिकवर अप होके वो बर्न करती है उसको, साथ में जो भी कार्बन डिपॉजिट होता है पिस्टन के ऊपर, हेड के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स में बर्न होके साइलेंसर के थ्रू आउट हो जाता है। तो ये फ्लश वगैरह भी आते हैं, क्या डिफरेंस है फ्लश में और इसमें? जो इंजन फ्लश होता है वो जो वॉल्स के ऊपर गंदगी जमती है, ग्रीस जम जाती है तेल की, वो फ्लश उस ग्रीस को रिमूव करता है। और ये जो डिकार्बोनाइजिंग का प्रोसेस है ये इंजन के अंदर पिस्टन के ऊपर, हेड के ऊपर, वॉल्स के ऊपर जो कार्बन जम जाता है उसको रिमूव करता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर फ्लशिंग की बात करें तो इंजन के आउटर ब्लॉक में जहाँ पे ऑयल सर्कुलेट होता है हमारा उसको क्लीन करेगा। अगर डिकार्बोनाइजिंग की बात करें जहाँ पे कंबशन चैम्बर है हमारा, जहाँ पे कंबशन प्रोसेस होता है उसको क्लीन करता है। तो स्पेसिफिकली दोनों अलग अलग प्रोसेस है, इनको हम जोड़कर नहीं बता सकते, राइट? बिल्कुल। ये जब प्रोसेस हम करेंगे क्या मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी वायरिंग कटेगी या कोई भी ऐसा कोई इशू तो नहीं होने लग जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये सिर्फ हम
पुरानी गाड़ी पर करवाएं या नई गाड़ियों पर नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ भी सिनेरियो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस काम को कराने के लिए आपकी गाड़ी कम से कम 25,000 या 30,000 किलोमीटर चली होनी चाहिए, उसके बाद इस काम के रिजल्ट बेटर मिलते हैं। और ऐसा भी कुछ है कि कम सीसी की गाड़ियां हैं, 800 सीसी, 1000 सीसी, 2000 सीसी, तो उनमें टाइम जैसे 800 सीसी की गाड़ी में कम लगेगा, 2000 सीसी की गाड़ी में ज्यादा लगेगा, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंजन के हिसाब से हमारी मशीन में एक रेगुलेटर है, गैस का जो फ्लो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इंजन के हिसाब से गैस का फ्लो कम ज्यादा हो जाता है। अगर बात करें टाइम कंजम्पशन की, फोर व्हीलर या सिक्स व्हीलर की अगर हम टाइम कंजम्पशन करें तो आधा घंटा ही है। अगर टू व्हीलर्स पे आ जाए हम तो 20-15 मिनट्स का टाइम पीरियड होता है। तो ये सेम प्रोसेस हम अपनी बाइक्स वगैरह स्कूटी वगैरह पर भी करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्ट कर लेते हैं एयर फिल्टर बॉक्स से उस हमारे पाइप को। वीडियो के एंड में हम प्राइसिंग वगैरह की बात करेंगे और एडिशनली डिस्काउंट हमारे व्यूवर्स को तो आप दोगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। पहले कनेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो आशीष जी, आई थिंक ये प्रोसेस यहीं तक था, सिर्फ हमने एयर फिल्टर बॉक्स से अपनी ये वाली जो गैस है इसे जोड़ देना था, राइट? बिल्कुल। इसके बाद करते इस प्रोसेस को स्टार्ट। एक तरफ फिलहाल जहाँ पर मेरी गाड़ी ऑन है, जब ये स्टार्ट करी थी तो इसका आरपीएम हाई हो गया था और उसके बाद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, ऐसा क्यों? इनिशियली जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वो ठंडा रहता है, आरपीएम इसलिए हाई हो जाते हैं क्योंकि उसको वर्किंग टेम्परेचर पे लाना होता है। एक बार वर्किंग टेम्परेचर पे आने के बाद ऑटोमेटिकली आरपीएम गाड़ी के डाउन हो जाते हैं। तो आपकी फिलहाल जो मशीन ये चल रही है इसको एक बार देख लेते हैं, आप एक बार बढ़ा के दिखाओगे जो गैस का फ्लो है? अभी इस टाइम इनकी गाड़ी के लिए 120 फ्लो एक्यूरेट है जो कि हमने सेट कर दिया है। ये यहाँ पे टाइमर शो हो रहा है, आधे घंटे के प्रोसेस के अंदर इस टाइम पे 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। आशीष जी, पूछना चाहूंगा ये क्या स्पेसिफिकली? इसको हम बबलर बोलते हैं, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। अगर कभी गैस का फ्लो एक्सेस हो जाए तो गाड़ी को कोई डैमेज ना पहुंचे, वो इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है वहाँ पे। अगर हम गैस का फ्लो बढ़ाएंगे तो इसके जो बबल्स हैं उनकी इंटेंसिटी भी हाई हो जाएगी, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व का काम करता है ये गाड़ी के लिए। वैसे तो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने वाला है, ये रुमाल देखकर ये मत सोचना कि क्या लगा रखा है, इस प्रॉपर प्लेट है ये रही जो आशीष जी के हाथ में है। प्लेट में यहाँ से पाइप निकलता है जहाँ तक मेरा मानना है, और यहाँ से एयर फ्लो जाता है थोड़ा थोड़ा सा जो कि कनेक्ट हो जाता है हमारे एयर फिल्टर बॉक्स पे। मैंने कहा उसे खोलो मत, आप ऐसी पाइप लगाकर भी कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई हमने उसको ढंग से कवर अप कर दिया है, कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह अंदर कुछ नहीं जाएगा, इंजन को कोई हार्म नहीं है। अब टाइम है दोस्तों एक बार इंजन को बंद करने का, बंद करना पड़ेगा इंजन। और अभी हमारी गाड़ी आप ये समझ सकते हो जब तक हमने प्रोसेस करवाया है 30 मिनट यानी आधे घंटे हमारी गाड़ी ऑन रही है। ये कर दी मैंने बंद, आपको दिखाऊंगा कुछ कि इसमें से निकला क्या है। प्रोसेस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, आशीष जी वापसी फिट कर रहे हैं हमारा जो एयर फिल्टर बॉक्स है उसको। तो ये देखो हमारा पूरा एयर फिल्टर बॉक्स वापसी सेट हो गया है, इसे करते हैं अब गाड़ी को स्टार्ट। के बाद का क्या प्रोसेस है आशीष जी? अब इसको हम थोड़ा हाई आरपीएम पे 3000-4000 के आसपास रेव करेंगे ताकि जो भी बिल्डअप है वो सब बाहर निकल जाए कार्बन का। हमने आपको नोटिसेबल डिफरेंस दिखाना है तो इस रीजन से आशीष जी गाड़ी में बैठ कर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो पानी निकलता है आशीष जी, पूछना चाहूंगा ये काला काला क्या निकला है इसमें से? ये काला काला कार्बन है, कार्बन जो कि फ्लश अप हो गया इंजन के थ्रू। मफलर टिप जो है हमारी, मैं उसमें से गंदगी निकाल रहा हूँ और रिसेंटली ही हमने एग्जॉस्ट लगाया जैसे कि अपनी गाड़ी में। एक बार मैं आपको बढ़िया ढंग से दिखा देता हूँ क्या क्या निकला है इसमें से, ये देखो। तो ये गंदगी पहले नहीं थी, हमने इसे बिल्कुल साफ कर रखा था, रिसेंटली ही लगाया है। तो आशीष जी अब हम रन लेंगे गाड़ी का छोटा सा साथ में। बिल्कुल, और 4 किलोमीटर का एक रन रहेगा, ठीक है? इसमें एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, चेक करेंगे कि प्रॉब्लम तो नहीं है। ये रन का मतलब ये है कि जो भी डिपॉजिट है एक बार दोबारा से हाई आरपीएम पर रन करेंगे तो ज्यादा निकल। ठीक है, तो एक बार बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपसे कुछ डिस्कशन भी करना है वो बैठ कर ही कर लेते हैं। मेरा मानना है जहाँ तक इसमें थोड़ा सा पिकअप भी इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल होता है, तो
क्योंकि पहले जब मैं इसे पेट्रोल पे चलाता था तो मुझे इतना तो रिस्पांस कभी मिला नहीं। मेजर मैं सबसे ज्यादा सीएनजी पर चलाता हूँ। सीएनजी पर करके सीएनजी पर करके चेक करूँ? बिल्कुल, मैं इसे सीएनजी पर सबसे ज्यादा चलाता हूँ दोस्तों। एक बार सीएनजी पर स्विच भी कर लेते हैं। मैंने कर ली सीएनजी पर स्विच, अब ये आ गई सीएनजी पे हमारी गाड़ी। आशीष जी पूछना चाहूंगा, जो आपकी मशीन थी उस मशीन की कॉस्ट क्या है एक्चुअली? मैं अगर कोई अपनी भी लगाना चाहे या खुद आपसे खरीदना चाहे तो क्या ये आपने खुद मैन्युफैक्चर करी है? हाँ जी। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कल को चाहूँ आपसे वो मशीन खरीदना, तो क्या मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी? कितने रुपए में आप मुझे वो मशीन दे दोगे? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिनिमम 2.5 लाख रुपीस एक इंडिविजुअल स्पेंड कर सके। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास इन केस मैं करना चाहूँ बिजनेस और मेरे पास इतने पैसे ना हो, तो आपके पास कोई कोई सजेशन है इस चीज के लिए? बिल्कुल हाँ जी है। जैसे कि लोन्स वगैरह हैं उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट की एमएसएमई स्कीम्स वगैरह चलती हैं उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। कुछ सब्सिडीज वगैरह भी मिल जाती हैं। ठीक है, वैसे तो मेजरली अगर लोगों डिफरेंस बताऊं आपको मैं, क्योंकि ये सब चीजें मैं तब पूछ रहा हूं जब मुझे एक डिफरेंस मिला है अपनी गाड़ी के अंदर। वो डिफरेंस एक्चुअली में ये है कि पहले मेरी गाड़ी मिसिंग कर रही थी और फ्लश निकलने के बाद मेरी गाड़ी ने मिसिंग करना तो कम कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा मिसिंग नहीं करती थी लेकिन थी। अभी अगर मैं बात करूँ अपनी गाड़ी के पिकअप का, इवन एग्जॉस्ट लगा कर भी मेरी गाड़ी पिकअप बहुत अच्छा ले रही है। और बहुत शुक्रिया आपका इस काम के लिए। तो हमें वैसे 1 से 1.5 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता है ना इस काम को कराने के बाद। हाँ जी। तो इसलिए हमने वो कराना था और हाई आरपीएम पे अपनी गाड़ी चलानी थी थोड़ा बहुत, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर राइट। बिल्कुल। तो हमने उस काम को तो प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लिया है वहाँ पर खड़े होकर भी और निकाल कर भी। तो होपफुली अब सारा इसमें जो फ्लश था वो चलते में भी निकल गया होगा। हाँ बिल्कुल। इसी के साथ ही एक चीज और है दोस्तों जो सर ऑफर करते हैं, साथ ही साथ जरूरी भी हो गई है हमारी गाड़ी को। मैं एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ, मैंने सर्विस 2 से 3 बार करवाई है लेकिन अभी अगर अपनी थ्रॉटल बॉडी की बात करूँ, ये रही नीचे मेरी थ्रॉटल बॉडी, एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। आप देख लो एक बार हमने कर दिया पूरी थ्रॉटल बॉडी क्लीन। इसी के साथ ही पूरी थ्रॉटल बॉडी हमारी वापसी कर दी गई है। एक चीज़ सर ने बताई मुझे जो इसे कराने के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं, पूछना चाहूँगा सर क्या क्या हैं वो? जैसे कि गाड़ी का पिकअप इंक्रीज हो जाता है। हाँ वो मैंने खुद नोटिस करा है। नोटिस करा आपने, माइलेज बढ़ जाएगी वो आप अभी नोटिस करेंगे। ठीक है, वो मैं जब कुछ 100 किलोमीटर चला लूंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे एक्चुअली में मालूम चल जाएगा। बिल्कुल, बाकी मैंने पिकअप तो एक्चुअली में देखा इंक्रीज होते हुए। अच्छा बेनिफिट उन्होंने ये बताया एनवायरमेंट फ्रेंडली, वो ये है गाड़ी ज्यादा हीट नहीं होती, इंजन कूल रहता है। इंजन कूल रहेगा तो हीट डिसिपेशन रेट कम हो जाता है गाड़ी का। ठीक है, हीट कम निकलेगी तो एनवायरमेंट पे गर्मी कम रहेगी थोड़ी। और रही बात आपका इंजन अगर कोल्ड रहेगा या ठंडा रहेगा, चाहे ठंडे मौसम में हो या गर्म, तो आपकी इंजन की लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी। सेकंडली गाड़ी का सर्विस इंटरवल बढ़ जाता है, सर्विस इंटरवल बढ़ गया तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी गाड़ी। मैं अपनी गाड़ी यूजुअली सर्विस कराता था 5 से 7 हज़ार किलोमीटर पे, तो अब आप क्या रिकमेंड करेंगे? अब मान के चलिए 9 से 10 हज़ार किलोमीटर के आसपास ही आपको सर्विस कराने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक चीज़ और सर प्राइस की बात करना चाहूँगा, अगर कोई ऐसी किसी भी हैचबैक गाड़ी में करवाना चाहते तो प्राइस क्या पड़ेगा? आप हैचबैक सेडान और लग्जरी हाँ, अगर तीनों में करवाते तो उनका तीनों का प्राइस बताइए। बात हमारी 2,500 रुपये से है जिसमें 1,000 सीसी तक का कोई भी इंजन कवर अप हो जाता है। 1,000 से 1,500 सीसी तक का कोई इंजन बात करें अगर 3,000 रुपये है। अगर 1,500 से 2,000 सीसी तक का कोई इंजन की बात करें तो 3,500 रुपये रेट है। ऐसे इंजन के हिसाब से रेट बढ़ते रहते हैं। आप ये काम करके देते हो तो इसका कोई प्रूफ प्रूफ भी देते हो, बिल भी करके देते हो? बिल्कुल, बिलिंग हो जाएगी हमारी तरफ से। बाकी सारी चीज़ें आप इनसे कांटेक्ट कर भी पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर और इनका नॉर्मल नंबर भी सब कुछ रिफ्लेक्ट मैंने करवा ही दिया है। इसी के साथ ही अपना पैसा बचाए, सेफ फ्यूल सेफ मनी सेंटर पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आशीष जी से। करते इस वीडियो को यहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Peace out.